जिसमें हमने बायसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड दैट इज फॉल्स पोजीशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड हमने कवर किया था। तो ये तीनों भी मेथड आती है ब्रैकेटिंग मेथड के अंदर। आज का हमारा यूनिट है यूनिट 4, जिसमें हम देखेंगे ओपन मेथड्स और उसमें की फर्स्ट मेथड लेने जाएंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। सो ओपन मेथड फॉर द ब्रैकेटिंग मेथड द रूट इज लोकेटेड विद इन एन इंटरवल प्रिस्क्राइब बाय लोअर एंड अपर बाउंड। जैसा कि हमने थर्ड यूनिट में देखा था कि ब्रैकेटिंग मेथड के थ्रू अगर हम रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमें दो इनिशियल गेसेस लेने होते हैं, दैट इज लोअर बाउंड और अपर बाउंड, दैट इज ए एंड बी, इसके बीच में एक रूट होता है। एंड रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स ऑलवेज रिजल्ट इन अ क्लोजर एस्टिमेट ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द रूट एंड सच मेथड आर सेड टू बी कन्वर्जेंट। मीन्स ये मेथड क्या होती है, कन्वर्ज होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर। जैसे हम दो वैल्यूज लेते हैं तो उसके हम सेंटर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जहां पर हमें उसे रूट मिले। एंड बिकॉज दे मूव क्लोजर टू द रूट एज द कंप्यूटेशन प्रोग्रेसेस। जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स हम क्या करते हैं, रिपीट करते जाते हैं। जैसे कि हमने देखा सेम एक फॉर्मूला लेते हैं और वही फॉर्मूला वही स्टेप बार बार रिपीट करते जाते हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाता है, स्टेप्स बढ़ते जाती है आगे आगे, तो हमारा जो आंसर है एग्जैक्ट रूट की ओर कन्वर्ज होता जाता है। सो दिस मेथड आर कन्वर्जन। इन कॉन्ट्रास्ट द ओपन मेथड्स आर बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। उसके अपोजिट जो हमें फोर्थ यूनिट में पढ़ना है ओपन मेथड्स, वो कैसी होंगी, दैट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज दैट रिक्वायर ओनली अ सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स और टू स्टार्टिंग वैल्यूज दैट डज नॉट नेसेसरीली ब्रैकेट ऑफ द रूट, है ना। यहां पर हमें वन सिंगल वैल्यू लगेंगी, एक ही वैल्यू गेस करना है, या फिर दो वैल्यू भी गेस कर रहे हैं तो दैट इज नॉट नेसेसरीली क्यों ब्रैकेट होना चाहिए, निगेटिव और पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। एज सच दे सम टाइम डाइवर्ज और मूव अवे फ्रॉम द एक्चुअल रूट एज द कंप्यूटेशन प्रोग्रेसेस। तो इसमें क्या होगा, कई बार तो वैल्यू हमारी डाइवर्ज होते जाएगी और कई बार कन्वर्ज होते जाएगी। मीन्स कई बार क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगी एग्जैक्ट रूट की आने की बजाय और दूसरी वैल्यूज आते जाएगी, दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ ओपन मेथड। बट हाउएवर व्हेन द ओपन मेथड कन्वर्जेस दे यूजुअली कन्वर्ज मोर क्विकली देन द ब्रैकेटिंग मेथड। लेकिन जब ये कन्वर्ज करती है ओपन मेथड तो ये ब्रैकेटिंग मेथड के कंपैरिजन में फास्ट कन्वर्ज करती है। जैसा कि हमने देखा था बाइसेक्शन मेथड में हमें 12 इटरेशन, 13 इटरेशन, 14 इटरेशन, इतने सारे इटरेशन तक जाना होता है। ओपन मेथड में क्या होगा, अगर वो कन्वर्ज हो रही है तो बहुत फास्ट कन्वर्ज होगी और 4 to 5 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड और मेथड ऑफ टेंजेंट्स। फर्स्ट मेथड है ओपन मेथड की न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसको टेंजेंट मेथड ऑफ टेंजेंट्स भी कहा जाता है। सो किस तरह से करना है समझ लेते हैं। लेट एक्स जीरो बी एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वेशन दिया हुआ है जिसके लिए हमें रूट फाइंड आउट करना है एंड एक्स जीरो बी द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आइदर अल्जेब्रिक ट्रांजेंट और ट्रांजेंडेंटल इक्वेशन, है ना। जो कि हमने देखा था इक्वेशन क्या हो सकती है, तो अल्जेब्रिक इक्वेशन हो सकती है, तो ट्रांजेंडेंटल इक्वेशन हो सकती है। एंड लेट एच बी द रियल नंबर सफिशियंटली स्मॉल। और एक हम एक नंबर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एच, जो कि एक स्मॉल वैल्यू होगी, मीन्स लेस देन वन। सो इफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच बी द एग्जैक्ट रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वेशन के लिए हमें रूट फाइंड आउट करना है और हम जो फर्स्ट इनिशियल गेस लेके चल रहे हैं दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज एक्स जीरो। तो हम क्या करते हैं, हमने तो अप्रोक्सीमेट किया है एक्स जीरो, लेकिन एक्चुअल रूट शायद हो सकता है एक्स जीरो प्लस एच, उसका थोड़ा सा आगे होगा वो पार्ट, तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स वन, दैट इज अवर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सो देन एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, और अगर एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जीरो आ रहा है मीन्स एक्स वन इज अवर एग्जैक्ट रूट एंड एक्स वन को ही हम क्या बोल रहे हैं एक्स जीरो प्लस एच, सो दैट इज वाई एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेथड समझने के लिए हम ले लेते हैं नाउ एक्सपांडिंग एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच बाय टेलर्स सीरीज। अब टेलर सीरीज एक्सपांशन करेंगे एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच का, सो दैट इज एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो, एफ डैश ऑफ
x0 means उसका derivative लेना है, first derivative plus x square upon 2 factorial f double dash of x0 means second derivative plus dot 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 is equal to 0. And since h is very small, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा है कि हम जो h लेकर चल रहे हैं वो small value है, less than 1 है, point में value है, और वो बहुत small value होने की वजह से we can neglect x square and higher terms of h, है ना? जब smaller number को smaller number से multiply करते हैं तो number और भी small हो जाता है. जैसे कि for example 0.5 into 0.5 multiply करेंगे तो number बढ़ेगा नहीं, वहाँ पर number कम होते जाता है, है ना? That is 0.25 हो जाएगा वो. इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? Because h is very small, we are neglecting the terms h square and higher terms जो कि आगे आएगी. And after putting this value into this equation, we get f of x0 plus h f dash of x0 is approximately equal to 0. So, after solving this equation, h is equal to f of x0 को उधर RHS में हमने क्या किया है? लेके गए हैं, so that is वो negative हो जाएगा, minus f of x0, और ये जो इधर product में term है उधर जाने के बाद, वो denominator में आ जाएगा, that is f dash of x0. And thus, the first approximation of the root is given by x1 is equal to x0 minus f of x0 upon f dash of x0. x1 is equal to x0 minus f of x0 upon f dash of x0. ये value आ जाएगी. क्योंकि यहाँ पर हमारे h की value हमने calculate कर ली है. और जैसे कि हमने देखा था, x1 के लिए, previous slide में देखते हैं, x1 is equal to x0 plus h. So, x1 is equal to x0 plus h. h की value क्या है? ये आ गई है. तो ये हमने value put कर दी उस equation में, minus f of x0 upon f dash of x0. तो ये first approximation आ गया है. Similarly, taking x1 as a initial approximation, अब यही step repeat करते जाना है. x1 को हमने initial approximation ले लिया, a still better approximation x2 is obtained, और उससे अब better approximation लाने की कोशिश करेंगे, x2 second approximation लाएंगे. So, x2 भी हमें मिलेगा similarly, x2 is equal to x1 minus f of x1 upon f dash of x1. इसी तरह से हम third approximation लाएंगे, जिसमें हम x2 को initial approximation ले लेंगे. So, वो मिलेगा x3 is equal to x1 minus f of x2 upon f dash of x2. And this process will be repeated, जब तक कि हमें exact root नहीं मिलता है, या फिर उतनी accuracy नहीं मिलती जितनी हमें चाहिए. So, continue this process n times. For example, we get better approximation to the root, and this is given by the formula xn plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash of xn. For n is equal to 0, 1, 2 and so on. जैसे कि हमारे केस में हमने लिया था first n is equal to 0, तो हमें x1 मिला था, x1 is equal to x0 minus f of x0 upon f dash of x0. इस तरह से. So, this is known as a Newton-Raphson formula. और यही formula लेके हमें क्या करना है? Root find out करना है. जिस पर problem 100% exam में पूछे ही जाते हैं, जो कि हम देखेंगे next video में. तो हमारा next topic रहेगा geometrical interpretation of Newton-Raphson method.